भारत से ही दुनिया भर में लोगों ने उड़न्त अस्त्री को देखे जाने का दावा करते हैं। उनमें से कुछ तो एलियंस को भी देखे जाने का दावा करते हैं। एलियंस अर्थात अंतरिक्ष में किसी दूसरे ग्रह पर रहने वाले लोग जो उड़न्त अस्त्री अर्थात UFO से सफ़र करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित तिवारी और आप देख रहे हैं द ऑर्डर। चलिए जानते हैं UFO के बारे में। UFO इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दावा किया कि वे अज्ञात उड़ती वस्तु देख चुके हैं। उन्होंने यह दावा एक टीवी शो के दौरान किया। इससे कुछ समय पहले ही अमेरिकन नेवी के पूर्व लेफ्टिनेंट ने भी इससे मिलता जुलता कुछ दावा किया। वैसे अमेरिका से एलियंस को देखने के दावे नहीं है। यह भी माना जाता है कि इस बेहद शक्तिशाली देश ने प्रयोग के लिए नेवाद के एरिया 51 में एलियंस को कैद करके रखा है। अमेरिका में इस दावे और एरिया 51 को लेकर हल्ला मचा हुआ है। आओ जानते हैं कि UFO क्या है, क्या है एरिया 51। अमेरिकी लोग यह मानते हैं कि सोना और नासा ने मिलकर एरिया 51 नामक क्षेत्र में एलियंस को रखे हैं और वे बात दुनिया से छुपा रहे हैं। एलियंस के होने पर लगातार यकीन और खोज करने वाला अमेरिका में साल 1950 से ही कहा जाने लगा कि एरिया 51 में एलियंस रहते हैं। कटीली बारों के बीच रात बेरात उड़ते विमान की चमक दिखाई देना इस बात को और पुख्ता करता है। जून 1959 में पहली बात यह मीडिया के सामने आई कि नेवाद के आसपास ये लोग हरी चमक के साथ कुछ रहस्यमय चीज़ों को उड़ता देख चुके हैं। 2015 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने एरिया 51 के नाम से विख्यात खुफिया परीक्षण क्षेत्र के अस्तित्व को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया, परंतु कोई यह नहीं कहता कि यहाँ एलियंस को रखा गया। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि एरिया 51 के पास स्थित रॉसवेल नाम के कस्बे में कुछ दूर 1947 में एक उड़न्त अस्त्री गिरकर ध्वस्त हो गई थी। उसके मलबे को अनाफन में एरिया 51 में कहीं छिपा दिया गया था। इस दुर्घटना में एक परग्रही का शव मिलने और डॉक्टरों द्वारा चीरफाड़ करने का भी दावा किया जाता रहा है। उस कथित परग्रही का वह कथित शव रॉसवेल के अंतर्राष्ट्रीय UFO संग्रहालय में रखा गया है, लेकिन वह कभी जीवित रहा कोई प्राणी नहीं बल्कि रॉसवेल नाम की फिल्म में प्रयुक्त मनुष्य जैसे काल्पनिक प्राणी का एक नकल है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि वर्ष 1997 में एक जनमत संग्रह में 80% अमेरिकों का यह मानना है कि सरकार उड़न्त अस्त्री के मामले में उनसे सच्चाई छिपा रही है। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि राष्ट्रपति भवन को बयान जारी करके लोगों को यह भरोसा दिलाना पड़ा कि सरकार कोई भी जानकारी उनसे नहीं छिपा रही। साल 2019 में सोशल मीडिया पर एक मुहिम चली जिससे लोगों ने इस बारे में जानने के लिए लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने इसके लिए साइन किया। हालांकि ये लोग कुछ नहीं कर सके क्योंकि अमेरिकी एयरफोर्स ने चेतावनी भरे लहजे में यह स्पष्ट कर दिया कि यह उनका ट्रेनिंग एरिया है, यहाँ पर किसी का भी दखल सहा नहीं जाएगा। दुनिया भर में UFO देखे जाने की घटना का दावा किया गया है। अमेरिका, फ्रांस, रशिया, चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी घटनाओं को दर्ज किया गया है। भारत में गुजरात के जामनगर, लद्दाख और अरुणाचल में UFO देखे जाने का घटना को दर्ज किया गया है। चीन के एक खगोल वैज्ञानिक ने दुनिया में पहली बार उड़न्त अस्त्री देखे जाने का दावा किया था। उसके बाद से आकाश में वह इस तरह की चमकती वस्तुओं को देखने की घटनाएं लगातार सामने आने लगी और अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, रूस आदि देशों ने इस पर अध्ययन करने के लिए कई समितियों का भी गठन कर लिया। प्रत्यक्षदर्शी दावे से यह कह रहे हैं कि यह चमकदार उड़ती तस्तरियाँ चीन की सीमा से आती हैं। चीन के खगोल वैज्ञानिकों ने ईसा पूर्व 410 वर्षों में उड़न्त अस्त्री और उड़न्त अस्त्री को देखे जाने का भी दावा किया। तब से आज तक इंसानों की दिलचस्पी उड़न्त अस्त्री में जरा भी कम नहीं हुई। यही वजह है कि उन पर दुनिया भर में कई फिल्में बन चुकी हैं एवं सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। इस विषय की गहराई को जानना बहुत ही कठिन है क्योंकि ये खुद ही में बहुत ही रहस्यमय है। अंत में मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इस विषय के बारे में क्या जानते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। और एक गुजारिश
कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।